नमस्कार। आज हम मानव श्वसन तंत्र के अंगों का अध्ययन करेंगे। तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे बाहरी जो अंग है वो है हमारी नाक। नाक पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने और पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव श्वसन तंत्र का जो बाहरी अंग है वो है नासिका। नासिका पीछे की ओर नासिका गुहा में होती है। नासिका गुहा यह हवा के साथ में आने वाले विभिन्न प्रकार के धूल के कण, पराग कण, इनको यहीं पर रोक करके हवा को शुद्ध करने का कार्य करती है। नासिका आगे जाकर के ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी दो भागों में बंटी होती है। इसमें दो प्रकार की नलियां होती है, श्वास नली एवं भोजन नली। श्वास नली और भोजन नली, इन दोनों में श्वास नली में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, और यह जो ढक्कन है वह भोजन नली में श्वास को जाने से और श्वास नली में भोजन को जाने से रोकने का कार्य करता है। इसके बाद में हमारे पास में श्वसन तंत्र का अंग आता है श्वास नली का बाएं और दाएं फेफड़े में बंटना, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। श्वास नली बाएं फेफड़े में जाकर बाएं श्वास नली और दाएं फेफड़े में जाकर दाएं श्वास नली में विभक्त हो जाती है। यह श्वास नली फेफड़ों में बंटने के बाद में अपने कई शाखाओं में बंटती है, जिसे हम कहते हैं श्वसनिका। श्वसनिकाएं असंख्य भागों में विभाजित होकर के पूरे फेफड़ों में अपना जाल बनाती है, और इसका जो अंतिम भाग होता है वो होता है वायुकोष्ठिका या कूपिकाएं। वायुकोष्ठिका या कूपिकाओं में हवा का आदान प्रदान होता है। रक्त शुद्ध ऑक्सीजन को शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाने का कार्य यहीं से करता है, और जब समस्त कोशिकाओं से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त ग्रहण करके वापस वायु कोशिकाओं में छोड़ता है। इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। आपके सामने डायग्राम है। ये यहाँ पर हमारी नाक है। नाक के पीछे ये जो खाली जगह है वो नासा गुहा की है। फिर नीचे हमारी ये ग्रसनी है। ग्रसनी में यहाँ पर भोजन नली और श्वास नली दो भाग है। फिर ग्रसनी बाएं फेफड़े में और दाएं फेफड़े में जाकर के, ये बाया फेफड़ा है, ये दाया फेफड़ा है, इन दोनों में जाकर के श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। प्रत्येक श्वसनिका असंख्य भागों में विभाजित होकर के फेफड़ों में अपना जाल बना लेती है, और इसका अंतिम भाग कहलाता है वायुकोष्ठिका। वायुकोष्ठिकाओं में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का आदान प्रदान होता है, और इस कार्य में रक्त जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धन्यवाद। कल हमें श्वसन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सेरियन।